अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। या आप जो देख रहे हैं, मैं प्लेट्स की सेटिंग कर रही हूँ जिसमें मैंने बीफ चॉप्स रखनी है और चिकन रोस्ट रखना है। और साइडों में मैंने देखें इस तरह सैलेड मैं सेट कर लेती हूँ हमेशा से। मेरी पहले भी मेरे चैनल पर एक वीडियो है, वो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह सेटिंग करती हूँ प्लेट्स की। मेहमान जब आते हैं, डिनर्स जब होते हैं मेरे घर में, तो मैंने काफ़ी चीज़ें बनाई थी। काबली पुलाव बनाया था, बीफ चॉप्स बनाई थी, चिकन रोस्ट किया था और साथ मैंने और चीज़ें बनाई थी। और एक डिश जो मैंने बनाई थी वो है क्रीमी फ्रूट सैलेड की। वो मैं आगे चल के आपको उसकी रेसिपी दिखाती जाऊंगी साथ साथ। और आप मेरी वीडियो पूरी देखिए और स्किप मत कीजिए। और न्यू कमर्स जो हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए कि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंचती जाए। और ये प्लेट्स मैंने सेट करके रख दिए थे पहले से। और जब मेरी बीफ चॉप्स रेडी हो गई थी तो उसमें मैंने सेट की थी, और दूसरी प्लेट में मैंने चिकन रोस्ट सेट किया था। और ये मैंने टमाटर काटे थे, कुछ मैंने प्याज काटी थी, और ये सलाद के पत्ते हैं, साथ मूलियाँ हैं, थोड़ी सी गाजरें हैं, और ये सैलेड मैंने अलग-अलग से बना ली थी एक प्लेट। और ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही ये क्रीमी फ्रूट सैलेड की हैं, जिसके लिए मैंने अंगूर और सेब पहले से काट के रख दिया था, और अनार के दाने मैंने छील के रख दिए थे। साथ ही एक चिकन का मैंने पीस लेकर, चेस्ट पीस लेकर मैंने बॉयल करके उसको मैंने श्रेडेड कर दिया था। साथ मैंने योगर्ट ले लिया था, स्वीट योगर्ट, और साथ मैंने क्रीम का एक पैकेट ले लिया था। आप क्रीम का पैकेट अगर स्किप करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने दोनों चीज़ें ऐड की थी। ये फ्रूट के साथ मैंने चिकन ऐड कर लिया था, और चिकन का मैंने एक ब्रेस्ट पीस लिया था, उसको मैंने बॉयल करके श्रेडेड कर दिया था। साथ मैंने नमक और 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का मैंने ऐड किया था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर लीजिए, और ये ऑप्शनल है। अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन नमक और मिर्च के साथ बहुत अच्छा सा टेस्ट आ गया था क्रीम में और योगर्ट में। योगर्ट के बजाय आप दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्वीट योगर्ट बहुत अच्छा मज़ा आता है उसके साथ, बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है उसका। मैंने ये बाउल में निकाल लिया पूरा, एक पैकेट जो था योगर्ट का वो मैंने ऐड कर लिया, और साथ मैंने क्रीम शामिल कर ली। एक पूरा पैकेट मैंने क्रीम का लिया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया था। आप कोई भी क्रीम ऐड कर सकते हैं, और बाज़ार में मिलती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। और ये मैंने पूरा इसमें शामिल करके फिर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स हम कर लेंगे, दोनों को यकजा कर लेंगे। आप बीटर की मदद से या चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, स्पून की मदद से। दोनों को अच्छी तरह से हमने इसको ऐड कर लेना है और मिक्स करेंगे, क्योंकि ये दोनों मिक्स हो जाएंगी, यकजान हो जाएंगी, तो बहुत अच्छा टेस्ट हो जाएगा इनका। और ये दोनों मैंने मिक्स करके, नेक्स्ट स्टेप देखिए, और मेरी वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि आपकी फ्रूटी क्रीमी सैलेड ठीक नहीं बनेगी, रेसिपी आपकी गड़बड़ ना हो जाए। और साथ ही ये हमने चीज़ें सारी डाल दी थी, आपने देखा है ये फ्रूट्स। और ये ब्राउन शुगर है मेरे पास, ये मैंने ऐड की थी। आप चीनी भी शामिल कर सकते हैं, 2 टीस्पून मैंने ब्राउन शुगर ऐड कर ली। इसके साथ टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और ये मैंने मिक्स करके अच्छी तरह से फिर मैंने ये सब चीज़ें इसमें ऐड करेंगे हम। ये जो फ्रूट्स आपको नज़र आ रहे हैं, आप अपनी फ्रूट मर्ज़ी के शामिल कर सकते हैं। मैंने अंगूर ले लिया था और उसमें मैंने शामिल करके, और दही, और ये मैंने सब इसमें ऐड करके और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था इनको। और अब ये मैं डिश आउट कर रही हूँ, और एक वीडियो शायद मुझसे स्किप हो गई है जो मैंने इसमें शामिल किए थे फ्रूट्स में, जो मैंने क्रीम वगैरह शामिल की थी। और अगर अंगूर आपके पास है तो आप इस तरह इसके ऊपर गार्निशिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा इसका जो देखने में बहुत खूबसूरती थी और खाने में भी बहुत मज़ेदार था। ये हमारी बन गई है क्रीमी फ्रूट सैलेड भी आप कह सकते हैं, डिलाइट भी आप कह सकते हैं। इसमें चिकन भी है और इसमें फ्रूट्स भी हैं, आप इसमें नट्स भी शामिल कर सकते हैं और खजूरें भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास नहीं थी अवेलेबल तो मैंने नहीं की, अक्सर मैं इनमें शामिल करती होती हूँ। मेरी वीडियोस हैं मेरे चैनल पर दूसरी भी, तो आप देख सकते हैं। ये देखिए हमारी कितनी मज़े की क्रीमी सैलेड, फ्रूटी सैलेड रेडी हो गई थी। और आप ज़रूर ट्राई कीजिए मेरी ये रेसिपी को। और चीज़ें भी मैंने बनाई थी। मेरी डाइनिंग टेबल है, मेरे गेस्ट आ रहे थे, मैंने काबली पुलाव बनाया था, कोफ्ते बनाए थे, और साथ मैंने मटन और उसकी यखनी चिकन की करी बनाई थी। साथ मैंने सैलड्स बनाई थी, स्वीट डिश बनाई थी। और मेरे चैनल पर आने का, मेरी वीडियो पूरी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मिलेंगे किसी न्यू रेसिपी के साथ, और तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त और अल्लाह हाफिज़। और सबके लिए मेरी दुआएं हैं, और मुझे दुआ